fine, fit. Okay. So, in the previous 2-3 videos, we talked about conditional sentences. Okay. In parts. Thodi se humne baat ki, thodi. So in today's lecture, we will sum that up. Hum sari baat usko as a whole lenge. Aapki inshallah base to ban chuki hogi. In the previous lecture, main jaise aapse keh chuka hu ki jitne bhi ye sentences hain, in mein we call them conditional sentences. The reason behind that is ki isme hum koi condition lagate hain, shart hoti hai ki agar flaan cheez hogi to flaan hoga. Ya baaz ko hum kehte hain agar flaan cheez hoti to uska flaan natija hota. Ya agar farz kiya agar flaan cheez na hoti to flaan uska result na hota. ठीक. अगर फर्ज किया मैं लड़की होता तो मैं ये स्टेप ना लेता. इसमें सब में कोई कंडीशन चल रही. तो इससे पहले भी आपसे मैं कह चुका हूँ, लेकिन आज हम इसको ओवरऑल लेंगे. इसमें सारी कंडीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेज जो हैं और दो सेंटेंस इन विच वी ले अ कंडीशन. तो ये कंडीशन आमतौर पर 3 तरह की होती हैं. आप जानते हैं कुछ को हम कहते हैं ओपन कंडीशन. Or such sentences are called open conditionals. Okay? Open conditionals. Kuch ko hum kehte hain imaginary condition. Imaginary conditionals. Okay? Yeh mera khayal hai aapko inke naam to abhi tak pata lag gaye honge. The third is unfulfilled. Unfulfilled condition or unfulfilled conditional. अब इनके लिए समटाइम यू वुड हैव सीन के कुछ जगहों पर इनके नाम थोड़े से बदल दिए जाते हैं. इस टाइप को कभी कभी Type 1 का नाम दिया जाता है. Type 1 इमेजिनरी कंडीशनल को कभी कभी Type 2 कहा जाता है. अनफुलफिल कंडीशनल के लिए समटाइम वी से Type 3. इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर इट इज, हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में एज आई हैव सेड अर्लियर टू दीज कंडीशनल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन राइटिंग. बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है. ख़ास तौर पर आपने कोई ऐसे राइटिंग करनी है, कोई और किसी एग्जाम में अपेयर होना. तो इसमें मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर भी आपसे कहा कि इन कंडीशनल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है, दो हिस्से होते हैं आमतौर पर फर्ज का, मैं कहते हैं अगर वो आता तो मैं आपको बता देता. फर्ज के हम इस मिसाल को लेकर चलते हैं. अगर वो अगर चलो अगर आप आते तो मैं उसे बता देता. आप देख लें इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें, दो हिस्से हैं ना, एक अगर वाला हिस्सा और एक मैं उसे बता देता. ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम एज आई सेड अर्लियर टू इनको हम कहते हैं इसमें दो क्लॉजेज हैं. दो क्लॉजेज हैं. ठीक. और क्लॉज से क्या मतलब है? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका जैसे मैंने कहा था कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका उसके साथ एक प्रेडिकेट होता है. आप उस गहराई में भी ना जाएं, आप समझें कि ये दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों का एक अपना अपना पैटर्न है. तो यू शुड बी 100% क्लियर कि हमने इसका तर्जमा कैसे करना. इज इट सो, इज इट फाइन और नॉट क्लियर? सो इस बात को फिर मैं कह देता हूँ कि मेन इसमें गेम सारी ये है कि ये जो अगर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको इस चीज़ को हम आमतौर पर कहते हैं इफ़ क्लॉज है. क्या है ये इफ़ वाला हिस्सा है? ये इफ़ क्लॉज है. क्लॉज को समझिए, एक सादा सा सेंटेंस है जैसे, हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है इसमें. और मैं उसे बता देता, इसे हम कहते हैं ये मेन क्लॉज. ये क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेन क्लॉज वो होती है जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो, और इफ क्लॉज वो होती है जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड करे. ओके. बहरहाल, और फिर इसमें गेम सारी ये कि आपने इस बात को समझना है कि जो इफ वाला हिस्सा है या जो मेन क्लॉज है, मेन हिस्सा है, इसमें स्ट्रक्चर क्या चल रहा है. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि देर आर जस्ट 4 पॉसिबिलिटीज.
या तो ये है कि इफ वाला हिस्सा ए वी है, यानी कि एक्टिव वॉइस में ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी इसी में है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक्टिव में, ठीक है, एक्टिव में आपको पता ही है इसमें परफॉर्मर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ पे हम फोकस नहीं करते, हु हैज़ डन व्हाट वाज डन, रादर वी फोकस ऑन द थिंग दैट हु हैज़ डन दैट। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप खुद सोचें, ये हो सकती है कि दोनों ही पैसिव में, ये भी और ये भी, इसमें तो गलती नहीं है, पहला हिस्सा भी पैसिव में और दूसरा भी पैसिव में। ये कैसे आगे हम जाके बात करते हैं। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज के आप खुद गेस कर लें कि ये वाला हिस्सा फर्ज के एक्टिव में है, ए वी है एक्टिव वॉइस, और दूसरा हिस्सा पी वी है पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात। या रिवर्स इट, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला हिस्सा पैसिव में और दूसरा एक्टिव में। बस ये तीन चार ही इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं। द मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द थिंग। ये बनते तो हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसको ध्यान से ना देखें तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको, यहाँ पैसिव होता है उसको एक्टिव समझ रहा होता है, यहाँ एक्टिव होता है उसको पैसिव समझ रहा होता है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ये जितने भी कंडीशनल्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट द थिंग इज कि अनटिल अनलेस यू आर क्लियर अबाउट द थिंग कि ये एक्टिव है पैसिव है, तो आपका तर्जुमा गलत हो जाता है। तो हम इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं विद द फर्स्ट कंडीशनल, और उसका नाम है आपके सामने क्या है, ओपन कंडीशनल, राइट। ओपन कंडीशनल क्या होते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आई थिंक इज ओपन, आई थिंक इज ओपन। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बात तो यू कीप इन माइंड कि इसमें ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, गा एंड गा। इसमें इसके भी दो हिस्से होंगे ना, तो इसमें पहले हिस्से में भी गा या गी का टच होगा और दूसरे में भी। फर्ज के मैं कहता हूँ, अगर सर आएंगे तो मैं लड़कों को बता दूंगा। आप देख लें, ये है कंडीशन ओपन है। पहली बात, अगर सर आएंगे तो दूसरी बात उसकी बुनियाद पर मैं लड़कों को बता दूंगा। यानी कि ये हिस्सा क्या है, इफ वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं इफ क्लॉज, ठीक है, इफ वाला यानी हिस्सा। और ये हमेशा इस पर डिपेंड कर, अगर आप गौर करें कि अगर ये बिल्कुल ना भी लगाएं, फर्ज के कोई ये कहता है कि मैं लड़कों को बता दूंगा, तो इसका मीनिंग क्लियर है कि नहीं, इसको छोड़ दें। वैसे सोचें, इफ समवन सेज कि मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा, तो आई थिंक दिस थिंग इज गिविंग क्लियर कट सेंस। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन सेज कि अगर सर आएंगे तो आप कहते हैं व्हाट, तो फिर क्या हुआ, इट्स नॉट क्लियर। इसलिए ये जो इफ क्लॉज है, ये असल में मैंने आपको पहले भी बताया, ये असल में डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है, डिपेंडेंट क्लॉज की एक मेन टाइप, ओके। और ये जो चीज़ है, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, यानी कि इसका पूरा मीनिंग खुद ही होता है, इसको इसकी सपोर्ट ना भी मिले तो इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस, ओके। अब इसमें एज सेड यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग। मेन चीज़ है कि इस आपको पहचानना कि ये हिस्सा अगर वाला जो है ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर सर आएंगे तो व्हाट डू यू थिंक, ये हिस्सा एक्टिव है पैसिव है, तो सर ने खुद ही आना है तो एक्टिव हुआ ना, तो इससे मैं लड़कों को बता दूंगा। इसमें गौर करें कि मैं जो भी काम कर रहा है मैं खुद कर रहा है, जिसका मतलब ये भी एक्टिव है। तो आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि इसमें ये हिस्सा भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। तो हम अब इसका थोड़ा सा रूल सेट कर लेते हैं कि इफ क्लॉज जो है, ओके, इसमें पहली बात तो ये, इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विथ फ्यूचर, इसका ताल्लुक आने वाले वक्त से। अगर फ़र्ज किया डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहेंगे तो लोग रिएक्शन देंगे, फ्यूचर से इसका ताल्लुक है। और आपने कहा जी एक इफ वाला हिस्सा और एक मेन हिस्सा है, ये मेन क्लॉज है। अब इसमें फैसला क्या करना है कि वेदर इफ क्लॉज इज इन एक्टिव और पैसिव। बस गेम सर ये, अगर इफ वाला हिस्सा एक्टिव में, जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं अगर सर आएंगे, सर ने खुद आना, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इन केस ऑफ ए वी, अगर एक्टिव वॉइस है इफ क्लॉज, तो दैट केस उसका तर्जुमा हम कैसे करते हैं, हम पहले इफ लगाते हैं, शाबाश, फिर
सब्जेक्ट लगाते हैं, वो बंदा या बंदी, और उसके बाद बज़ाहिर जो है अपेरेंटली ये फ्यूचर है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसका तर्जुमा हमेशा प्रेजेंट में करते हैं, मतलब एस प्लस सब्जेक्ट प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बचपन से पढ़ रहे हैं, हम ये लगाते हैं, अगर वो अगर सर आएंगे, हम इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या लेते हैं, अगर सर आते हैं, ओके तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और एक्टिव वॉइस में आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट में यही स्ट्रक्चर होता है कि जैसे फर्ज के अगर हम इसी को ले लें तो हम क्या कहेंगे, इफ सब्जेक्ट क्या है सर, और प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या लगाते हैं, आप सबको पता है फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इफ सर कम, और जाहिर है ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम कहेंगे सर कम, आगे कॉमन लगाते हैं, और ये हम कहते हैं जी वी आर श्योर कि एक्टिव था। इसको फर्ज के मैं थोड़ा सा बदल के कहता हूँ, फर्ज के मैं कहता हूँ अगर हमें बताया जाएगा, आप थोड़ा सोच के बताएं कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, अगर हमें बताया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, अगर हमें बताया जाएगा इसमें ये जो हमें है, हमें इज डूइंग नथिंग, हमें एक चीज़ रिसीव करने के लिए बैठा हो, यानी कि एक्टिव और पैसिव में बुनियादी फर्क क्या होता है, एक्टिव में सारा जोर परफॉर्मर पर होता है और पैसिव में सारा जोर उस चीज़ पर होता है। तो फर्ज के मैं कहता हूँ अगर हमें बताया जाएगा, अब देखिए ना इसमें क्या मुश्किल है, अगर हमें बताया जाएगा जी, अब मुझे सिर्फ इसका बताएंगे ये एक्टिव बन रहा है कि पैसिव बन रहा है, हम मेन हिस्से की अभी बात ही नहीं कर रहे, अगर हमें बताया जाएगा तो इसमें जो हमें हैं दे आर डूइंग नथिंग, वो तो एक चीज़ रिसीव करने के लिए बैठे हों, बताना किसी और ने, तो हम कहते हैं ये पैसिव है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जब इस तरह के अल्फाज आ जाएं लाइक मुझे, हमें, तुम्हें, उन्हें, उससे, तो देर इज ऑलमोस्ट 90% चांस कि वो चीज़ बनेगी पैसिव। अगर हमें बताया जाएगा और इसका तर्जमा हमने ये बज़ाहिर फ्यूचर है लेकिन हमने इसका तर्जमा करना है प्रेजेंट में, ठीक, और प्रेजेंट में हम थोड़ा सा रूल बदल देंगे, हमने कह दी ये पैसिव है, ये पी वी है, तो इफ क्लॉज में पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, वही रूल होगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और आप सब बचपन से इस चीज़ को समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेंस हमने इसको प्रेजेंट फर्ज करना है और स्ट्रक्चर हमने पैसिव वाला लगाना है। तो इस बात को थोड़ा माइंड में रख लें, इसमें पहले हम इफ लगाते हैं, ठीक है, फिर आगे जो चीज़ है जो रिसीव कर रही है वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में आप सबको पता है हम कभी एज लगाते हैं, कभी हम आम लगाते हैं, कभी हम आर लगाते हैं, और वो यूनिवर्सल रूल है कि पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी। तो जब हमने ये पहचान लिया कि ये पैसिव है, ये है, तो हम इसका तर्जमा इस स्टाइल से करेंगे। तो आप देखिए इसमें कोई मुश्किल नज़र आ रही है, अगर हमें बताया जाएगा, अब होता क्या कि जब ये होता तो इसका स्टूडेंट तर्जमा यूँ करता है इस स्टाइल से, वो कहता है इफ वी इन्फॉर्म, तो ये तो नॉनसेंस होगी, इफ वी इन्फॉर्म का तो मतलब है कि अगर हम इन्फॉर्म करते हैं, हम कह रहे हैं अगर हमें बताया जाएगा, अब इसकी इंग्लिश आप करें जी हाफिज आप ट्राई करें, ठीक है, इफ से स्टार्ट कर लें शाबाश, ओके, ऑब्जेक्ट जो है वी, हम, वो वी के साथ जाहिर है आप सबको पता है हम लगाते हैं आर, और इन्फॉर्म बताना उसकी हमें थर्ड फॉर्म से इफ वी आर इन्फॉर्म्ड। अब देखिए ये इसकी सही इंग्लिश है इफ वी आर इन्फॉर्म्ड, अगर आप इसको कहते हैं इफ वी इन्फॉर्म तो ये तो नॉनसेंस हो जाएगी। सो द मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द थिंग कि ईव एक्टिव है कि पैसिव, क्लियर, बड़े स्ट्रक्चर को आप माइंड में रख लें, हमने इसको समझना प्रेजेंट है और इफ वाले हिस्से में फ्यूचर की बजाय हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड्स कर लें, और देन वी हैव टू कीप इन माइंड की वजह दिस इज ये एक्टिव है पैसिव, ओके। अगला जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, उसमें आपने क्या करना है, उसमें सिंपल सी बात है, वंस अगेन पहले आपने देखना है कि ये एक्टिव है या नहीं। फर्ज की ये सेंटेंस आपके सामने, मैं लड़कों को बता दूंगा, आप क्या कहते हैं ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, मैं बता दूंगा, ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, इट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग, ये जुमला
एक्टिव होगा. तो इसमें हमने स्ट्रक्चर जो है एवी के हिसाब से लगाना है. तो एक्टिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं जी? पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, ओके, देन फ्यूचर इंडेफिनिट का स्टाइल इसके बाद, वेल, गुड, और आगे जैसे आप सबको पता है वी यूज फर्स्ट फॉर्म, राइट? फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की. तो अब देख लें इसका सिंपल सा तर्जमा क्या होगा. मैं लड़कों को बता दूंगा, आई, ओके, वेल, नाइस, फर्स्ट फॉर्म, वी नीड फर्स्ट ओवर हियर, आई विल इन्फॉर्म, ओके, आई इन्फॉर्म. रागी जस्ट ऐड दैट थिंग द स्टूडेंट्स. मेन चीज है कि एक्टिव है, इसलिए हम एक्टिव के साइड से चलें. लेट सपोज के मेन क्लॉज जो है ये इंस्टेड ऑफ ए वी ये पी वी है. पैसिव भी तो हो सकता है ना. अब इसकी मिसाल को जैसे पैसिव से स्टूडेंट थोड़े से मतलब घबरा से जाते हैं, हालांकि भी ऐसा मसला नहीं है. थोड़ा सा गौर करें कि ये पैसिव कहाँ से बन गई है. तो पैसिव में द होल फोकस वुड बी ऑन दैट थिंग. फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि उससे अगर मुझे निकाला जाएगा तो उसे भी निकाल लिया जाएगा. तो अगर आप सिर्फ इस पार्ट को ले लें तो उससे भी निकाल दिया जाएगा. अब आप देखें इसमें ये उससे का रोल क्या बन रहा है. उसे इज डूइंग समथिंग, उसे खुद कुछ कर रहा है, एक चीज़ को फेस करने के लिए बैठा हुआ. तो इस उसे तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, निकालना किसी और ने उसको. तो इसमें मतलब सारा जोर है उसके निकलने पर. तो ये फिर क्या हुआ, ये पैसिव है, ठीक. जब हमने कहा ये हिस्सा पैसिव है, उसे भी निकाल दिया जाएगा या उससे भी बता दिया जाएगा या उससे भी मार दिया जाएगा, ऑल दिस इन पैसिव. क्योंकि इसमें ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर रहे. अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें इसका तर्जमा क्या बनेगा, उससे भी निकाल दिया जाएगा. इसका हमने तर्जमा करना है पैसिव वॉइस के स्टाइल से, मेन क्लॉज की पैसिव. तो इसमें क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, ओके, फिर क्या होगा, वेल होगा. जैसे स्टाइल फ्यूचर वाला रखना है और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का स्टाइल. आप सबको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव में हम लगाते हैं बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है दैट इज थर्ड फॉर्म, वो तो होती ही होती है. दिस इज आर स्ट्रक्चर इफ यू आर श्योर कि मेन क्लॉज इज इन पैसिव. अब आप बताएं इसका तर्जमा खुद करके बताएं, उसे भी निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा. उसे के लिए हो गया ही, ओके, शाबाश, वेल, ओके. भी के लिए हम सेंस के एतवार से ऑल्सो, ओके, फिर बी, और फिर निकालने के लिए एनी वर्ड एक्सपेल्ड, ही विल ऑल्सो बी एक्सपेल्ड. कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. अब देखिए इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बुनियादी मरहला सिर्फ ये है कि इस बात को पहचानना कि चीज़ जा कहाँ रही है, एक्टिव में जा रही है पैसिव में जा रही है. अगर आपने वो कर लिया तो ये दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको माइंड में आप रख सकते हैं कि इस वाले हिस्से में एक्टिव के लिए ये है, पैसिव के लिए ये है, और मेन क्लॉज में एक्टिव के लिए ये है, पैसिव के लिए, ठीक है. तो फर्ज क्या मैं कहता हूँ, अगर मुझे मजबूर किया जाएगा तो मैं उन्हें मार दूंगा. अब इसमें मेन चीज़ है टू आइडेंटिफाई अगर मुझे मजबूर किया जाएगा ये एक्टिव है या पैसिव है. अगर मुझे मजबूर किया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे मजबूर किया जाए, मैं मुझे इज डूइंग नथिंग, तो ये है पैसिव. तो पैसिव अगर है इफ वाला हिस्सा तो क्या इंग्लिश होगी, अगर मुझे मजबूर किया जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, इफ आई एम फोर्स्ड, तो मैं उन्हें मार दूंगा. अब ये देखें ये एक्टिव है पैसिव है, मैं उन्हें मार दूंगा, इसमें तो मैं कर रहा हूँ जो भी. फिर ये स्ट्रक्चर चाहिए, आई विल किल देम, ओके. तो ये है आपकी ओपन कंडीशन. ये बड़ी सिंपल होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो इंशाल्लाह थोड़ा सा आप करें. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट कंडीशन इज ये ओपन कंडीशन है, समटाइम वी कॉल इट राइट प्रोबेबल कंडीशन. प्रोबेबल कंडीशन मीन्स व्हेन देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, एक चीज का चांस है. और सेकंड जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी. अब देखें इस कंडीशन को थोड़ा सा समझना है, इट्स क्लियर फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ द कंडीशन. ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशनल्स. इसमें व्हाट हैपेंस,